दो महीने के लॉकडाउन के बाद जयपुर में बाजार खुल गए हैं। शोरूम है कपड़े का, यहाँ पर भी बिक्री शुरू हो गई है। शोरूम में आने से पहले देखा जा सकता है कि वहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जाता है, इसके अलावा सैनिटाइजर से हाथ साफ कराया जाता है, मास्क भी रखा है कि अगर कोई बिना मास्क आया तो उसे मास्क भी उपलब्ध कराया जाएगा। हम बातचीत करते हैं शोरूम के मैनेजर से। क्या नाम है आपका? विनय प्रताप सिंह भाटी। विनय जी, 2 महीने से दुकानें बंद थीं, अब खुली हैं, क्या आप 2 दिन में रिस्पॉन्स दिख रहा है आप? सर, अभी 2 दिन के अंदर हम पूरे स्टोर को सैनिटाइज किया है, एक एक चीज़ को पूरा। और उसके बाद के अंदर कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं है, पर जो कुछ कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, और जब भी कस्टमर आ रहे हैं, हम जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी गाइडलाइंस है ब्रांड की, हम वो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो कस्टमर्स आ रहे हैं सर, अभी कुछ बहुत कम आ रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें पहले के धीरे कंपेरिजन धीरे में। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे हम कंपेयर करें पहले से, तो 50% कस्टमर्स आ रहे हैं। 50% कस्टमर आना शुरू हुए हैं, लेकिन जितनी व्यवस्था सरकार ने कही है करने के लिए। जयपुर में करीब 2 महीने बाद सैलून खुले हैं, सैलून में किस तरह से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर सैलून में व्यवस्था की गई है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने शर्तों के साथ सैलून खोलने की इजाज़त दी है कि बार बार सैनिटाइज करते रहना होगा। बातचीत करते हैं और बाल काटने वाले जग्गू हैं उनसे। क्या 2 महीने बाद खोले हैं आप, तो क्या भीड़ तो दिख नहीं रही, बहुत कम लोग आ रहे हैं क्या? सर, लोगों के ये कोरोना की वजह से थोड़ा खौफ है। वैसे हमारे जो परमानेंट क्लाइंट है, उनको कॉन्फिडेंस है कि जग्गू की यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सर, हम तो कंप्लीट डिस्पोजल सामान रखते क्या हैं। क्या एहतियात बरत रहे हैं आप? क्लाइंट को आने से पहले, गेट से पहले पहले से हमको दिख जाता है, तो हम उस कंप्लीट बॉडी के ऊपर सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद में अंदर क्लाइंट है तो ठीक है, नहीं तो बाहर बिठाते हैं। फिर क्लाइंट को कुर्सी पर बैठने के बाद क्लाइंट के सामने कंप्लीट सैनिटाइज करते हैं। हमारे जो कैची कंघे जो भी हैं, उनको क्लाइंट के सामने सैनिटाइज करते हैं, और क्लाइंट के सामने हम खुद सैनिटाइज के साथ पूरी बॉडी पर डालते हैं। डिस्पोजल उनके लिए कटिंग शीट रख रखी है, डिस्पोजल उसके लिए उनके लिए टॉवल रख रखा है। सेविंग का काम कम कर रहे हैं, फेस का काम कुछ नहीं कर रहे। आपके बाल भी काफी बड़े हुए हैं, 2 महीने से कटवाए नहीं हैं आप। ये कोरोना सब दुकानें बंद थी सर, इस वजह से हम लोग जो कि कटिंग नहीं करवा रहे थे, और आज थोड़ा बहुत मालूम पड़ा कि भाई सैलून वगैरह खुले, तो हम भी पूरी सेफ्टी के साइड में पूरी मेजर प्रिकॉशंस मेजर लेते हुए हम लोग जो कि यहाँ पर कटिंग करवाने के लिए। बाल कटवाना जरूरी है, 2 महीने बाद दुकान खुली है, लेकिन देख सकते हैं कि बहुत सारी कुर्सियां यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं, लोग कम आ रहे हैं। इनका कहना है कि धीरे धीरे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि सेफ्टी का हम मेजर ले रहे हैं, तो लोग आने शुरू होंगे। फिलहाल जिनके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो अपने सेफ्टी लेते हुए आ रहे हैं। जयपुर जवाहरात का एक बड़ा बाजार है, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2 महीने से जवाहरात का सारा कारोबार बंद पड़ा हुआ था। अब लॉकडाउन 4 के बाद दुकानें खुल गई हैं, शोरूम खुल गए हैं, हालांकि अभी भी आपको लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि लोग बहुत कम घरों से निकल रहे हैं। हमारे साथ हैं शोरूम के मालिक, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय सिंह जी, क्या स्थिति है? अभी 2 दिन से खोले हैं, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, लोगों में खौफ है, निकल नहीं रहे हैं? अभी तो लोगों में खौफ ही है, और अभी तो कोई निकल नहीं रहा, जैसे कि हम लोग 2 दिन से तो खोल के बैठे हैं, पर देखते हैं आगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा। ये 2 महीने किस तरह से गुजरा, कितना का नुकसान हुआ होगा? बहुत सारे एम्प्लॉय भी जुड़े रहते हैं आप लोगों से। हाँ, एम्प्लॉयज सारे के सारे जुड़े हुए हैं, उनका पूरा प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन 2 महीने में तो नुकसान ही हुआ है। दो महीने में 1 रुपए की ना तो इनकम हुई है, ना कोई सेल हुई है, क्योंकि शोरूम सारे क्लोज थे, कहीं से हमारे पास कोई भी सेल करने का तरीका नहीं था, ना ही कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन थे खरीदने के। तो 2 महीने में तो आप पूछिए मत, हालत ख़राब ही रही है एक तरह से। सोने का क्या, अभी जयपुर में अगर खुलने के बाद क्या स्थिति है मार्केट? अभी मई और जून 2 महीनों में शादी के काफ़ी सावे हैं, तो सेल तो होनी चाहिए, लेकिन सोने के भाव भी थोड़े बढ़े हुए हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है, हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन पूरी रख रहे हैं, और शायद लोग में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों में धीरे धीरे घरों से बाहर निकलने का और ज्वेलरी खरीदने का। गेट पर आते ही सैनिटाइज करने की व्यवस्था है, टेम्परेचर देखने की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद अजय सिंह जी हैं शोरूम के मालिक, इनका कहना है कि हम लोग 2 दिन से खोल के बैठे तो हैं, लेकिन लोग कम आ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा तो निकलना शुरू होंगे, अभी तो कोरोना का खौफ है, आगे शादियों का सीजन है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जयपुर के जवाहरात जो व्यवसाय है उसके उनके दिन वापस लौटेंगे और खरीदारी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ आज के दिन में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार,
जयपुर।